Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm sharing with you roast and finger burger recipe. Firstly, we add ginger garlic paste 2 tablespoons and 1 lemon. Swiss it properly. Added 1 tablespoon white pepper. Then we added 1 tablespoon of chili powder, pisi lal mirch. And then 2 tablespoon of chili flakes, kuti lal mirch. And 1 teaspoon of salt, namak. एंड आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल सब मिक्स हो जाना चाहिए। चिकन ने उस पर अच्छे से बैटर को अप्लाई कर देते हैं, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए बैटर चिकन के साथ। आधा घंटा चिकन को मैरिनेट कर लें और फिर कढ़ाई में तेल डाल दें गर्म रखने के लिए। देन एक पतीले में नॉर्मल पानी ले लें और एक बड़े से बर्तन में मैदा डाल लें। मैदा छान के लें और अपनी मैरिनेट वाले चिकन को मैदे में डालें। अच्छे से कोट कर लें ताकि क्रम्स बने, क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है अगर आपको क्रिस्पी चिकन के उसी स्टाइल की बनानी है तो। मैदे में अच्छे से कोट कर लें, फिर इसे पानी में डालें 2 सेकंड के लिए। इसे छन्नी में डालें ताकि सारा पानी उसका छन जाए। और उसके बाद इसे दोबारा मैदे में कोट करें और फिर उसके बाद देखें आपका तिल गर्म हो गया तो कढ़ाई में डाल दें। मेरा तिल गरम हो गया था। बाकी की जो पीसेस हैं उसे भी अच्छे से कोट कर ले मैदे में। And crispy chicken legs are ready as you can see. और यहाँ पे हम बर्गर की ड्रेसिंग करेंगे। पहले केचप लगा लें, फिर पेटी रखें,
और फिर दूसरा पार लगाने बन का, और इधर मैंने स्माइली बनाने की कोशिश करी थी पर तो बना नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।